आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए, अगर रिग्रेशन एनालिसिस की मैं बात करूं तो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बिजनेस चलता किसके ऊपर है? बिजनेस चलता है फ्यूचर के ऊपर, और जिसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होगा। तो हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, और अगर हमने उसकी प्रेडिक्शन कर ली कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और उसके अकॉर्डिंगली अगर आज हम अपनी स्ट्रेटजी बना देते हैं तो आई थिंक आई वुड हैव बीन ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है ये भी हमें जो कोशिश करेगा वो हमें फ्यूचर को रीड करने में कोशिश करेगा, वो हेल्प करेगा हमें कि हाउ वी हैव टू रीड द फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई इट कुड आल्सो बी यूजफुल इन आवर बिजनेस बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इन द प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिकॉर्ड, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब ये बिजनेसमैन इन तीनों चीजों को सिंक्रोनाइज करता है, आई थिंक दैट पर्सन वुड हैव बीन ए वेरी वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने यहां पे आपको सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस बोला है क्योंकि एडवांस फॉर्म ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस है वो मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है सिंपल है, लेकिन जिसको सिंपल, क्योंकि हमारा फोकस होगा कंसेप्ट के ऊपर, जिसका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है उसके ऊपर आप जितनी मर्जी बिल्डिंग बना दीजिए, फिर चाहे मल्टी हो चाहे पार्शियल कोरिलेशन के जैसे मैंने बात की, और उसके बेस के ऊपर अगर आपने कोई प्रेडिक्शन करनी है, रिग्रेशन एनालिसिस लगाना है, तो यू इजीली यू कैन अप्लाई दैट। ओके, तो अभी तक सबसे पहले तो हमने डिस्कशन किस चीज की थी, इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था, जो टॉपिक डिस्कस किया था, वो हमारा कोरिलेशन था। और कोरिलेशन में वी ट्राई टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ऑफ द डेटा, और उसके बाद वी ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम। मैं स्कैटर डायग्राम इसलिए आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि जो बातें हम एक पिक्चर देख करके कहते हैं ना कि अगर आप 2000 शब्द पढ़ लीजिए और एक पिक्चर देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है कि एक पिक्चर देख करके आप बिल्कुल इजीली उसको अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इसलिए मैं यहां पे आपको जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो थ्रू स्कैटर डायग्राम समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं सीधी कोई रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर सीधा मॉडल नहीं चला जाऊंगा कि मॉडल बनाया और आगे बढ़ गए, और जिससे कि स्टूडेंट को ये समझ ही नहीं आता। और दूसरी एक और मैं आपको बात बता दूं कि जैसे कई एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, वो अब आप बाद में जो है रिसर्च में जाएंगे, जब रिसर्च में जाएंगे तो वो रिसर्च में टॉपिक यूज करते हैं, और वहां पर भी ये माना जाता है कि जिसको रिग्रेशन एनालिसिस का नॉलेज है वो रिसर्च में कभी भी पीछे नहीं रह सकता, वो इजीली अपनी एमफिल पीएचडी कर सकता है अगर किसी को रिग्रेशन एनालिसिस आता होगा। तो आई होप कि उनके लिए भी ये जो है वो यूजफुल रहेगा, क्योंकि अगर फंडामेंटल हैं तो आगे तो वो पढ़ ही पाएंगे, क्योंकि अब माइंड जो है वो मैच्योर हो जाता है। सो वी डिटरमाइन द, कहां पे देखा था हमने, कोरिलेशन में वी डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा एंड ड्रू स्कैटर डायग्राम टू पोर्ट्रे द रिलेशनशिप ग्राफिकली। ठीक, हमने बहुत डिस्कस किया है स्कैटर डायग्राम के बारे में, एंड कंप्यूटेड द कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटरमिनेशन। आपको याद होगा हमने आर स्क्वेयर कैलकुलेट किया था, आर स्क्वेयर से जो है हमने डिटरमिनेशन और नॉन डिटरमिनेशन की कैलकुलेशन करी कि कौन सा फैक्टर जो है वो ज्यादा पावरफुल है टू इन्फ्लुएंस द थिंग्स और कौन सा जो है वो नहीं है। तो ये हमने कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन से और नॉन डिटरमिनेशन, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले आर चाहिए था, आर हमने यहां स्मॉल आर यहां कैलकुलेट किया, फिर हमने आर स्क्वेयर किया और आर स्क्वेयर से हम डिटरमिनेशन और नॉन डिटरमिनेशन की तरफ को गए थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसको डिस्पर्सन का नॉलेज हो गया उसी को कोरिलेशन का नॉलेज होगा, जिसको कोरिलेशन का नॉलेज हो गया वही रिग्रेशन की तरफ को मूव करेगा। तो अब हम उसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू अवर स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ डेटा इन दिस टॉपिक एंड बाय डेवलपिंग ए मैथमेटिकल इक्वेशन, डेवलप करेंगे हम जिसको मॉडल बोलते हैं, डिजाइन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स।
ठीक है जी। ये अब मैं आपको एक, मैंने कहा ना कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है लाइफ में, वो होता है क्यूरियोसिटी। और मुझे लगता है कि क्यूरियोसिटी से बड़ा टीचर नहीं है। और सबसे बड़ा जो बचपन में स्टूडेंट मुझे, जो बचपन मुझे अच्छा क्यों लगता है, बचपन इसलिए लगता है क्योंकि बचपन में हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि अच्छा मैंने ट्रेन नहीं देखी है तो ट्रेन को देखने की क्यूरियोसिटी होगी, बस नहीं देखी है तो बस को देखने की क्यूरियोसिटी, हेलीकॉप्टर नहीं देखा तो मैंने हेलीकॉप्टर देखने। और जिस स्टूडेंट में, जिस बच्चे में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है वही बच्चा आगे जाकर सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए मैंने ये बात करी, मैथमेटिकल इक्वेशन हम डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे, जिसके थ्रू जो है हम जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, जो हमने कोरिलेशन में छोड़ रखा था, हम उसको स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये इक्वेशन हमें यूज कर क्या करेगी, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, अब देखिए मैंने वाई लिख दिया, जरूरी नहीं है एक्स भी हो सकता है, लेकिन मैं कोरिलेशन टॉपिक से ले रहा हूं कि वहां पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई माना था और बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स वेरिएबल। ठीक है जी, तो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने एक्स और वाई वेरिएबल, वाई ये किससे लिया मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि बाद देखना आपने रिग्रेशन में, मैं इसको चेंज भी कर दूंगा, मैं हो सकता है वाई को इंडिपेंडेंट बना दूं और एक्स को जो हो डिपेंडेंट वेरिएबल बना दूं, लेकिन आपको इसलिए कंफ्यूज नहीं करूं, कोरिलेशन में आपने यही बातें जो है वो डिस्कस करी है हमने, और जब हमने अपना स्कैटर डायग्राम बनाया था तो वहां पे भी हमने यही वैल्यूज आपसे डिस्कस करी थी, तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। ओके अच्छा, अब वैसे अगर देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं आपसे कि इस चैप्टर की रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी कितनी इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए अब आपके पास जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया पास डाटा है, हम पास डाटा का में स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हैं और उसका यूज करके हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं, और जो रिसर्च के स्टूडेंट होंगे वहां हम बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। हाइपोथेसिस कोई सिचुएशन है, उसको हम एक रफ आइडिया लेकर के एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि हम जैसे मान लेते हैं कि क्या एक पेड़ों का और पर्सन का यानी कि ह्यूमन बीइंग का कोई रिलेशनशिप है, तो इज देयर एनी रिलेशनशिप, तो एक हाइपोथेसिस हो गया कि यस देयर इज अ रिलेशनशिप, दूसरा हो जाएगा कि देयर इज नो रिलेशनशिप। बस इन दोनों क्वेश्चंस को ही हमने टेस्टिंग जब करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। ठीक है जी बात। अब उसी तरह से हमने अगर जैसे कोविड-19 है, अब कोविड-19 में भी हम कोई भी ऐसा क्वेश्चन रेज करके उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। हम ये स्टडी कर सकते हैं कि क्या जहां पे ज्यादा क्राउड होता है वहां पे ज्यादा कोरोना स्प्रेड हो रहा है, या जहां आइसोलेट में रहता है वहां कम होता है। बस ये वाला क्वेश्चन जो है हमने रेज कर दिया कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द क्राउड एंड द कोविड-19 फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ द कोविड-19। अब एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि यस देयर इज नो रिलेशनशिप, तो बस इसी की टेस्टिंग करते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और इसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्टेटिस्टिकल मेथड लगाते हैं। लेकिन यहां तो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी तो एस्टिमेशन है, या फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके बेस के ऊपर होगा, पास डाटा के ऊपर बेस्ड होगा। ओके तो इसके लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं हम, जब भी हम कोई भी मॉडल जिसको हम इकोनोमेट्रिक्स भी बोलते हैं या ये मैथमेटिक्स टेबल भी बोलते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इस चैप्टर की आपको एमफिल पीएचडी में भी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं अभी से आपको उसके लिए तैयार कर रहा हूं। और जो एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आपको उनको बताऊं कि वो क्या करेंगे, जैसे प्रोजेक्ट करना है तो व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए मॉडल। कोई भी अगर कोई मॉडल आपने डेवलप करना है विच इज टू बी यूज्ड इन द यूनिवर्सल वे, तो देखा होगा आपने कि बहुत सारे मॉडल्स हैं वो अभी भी जो है वो रेलेवेंट है, पता नहीं 100 साल पहले अप्लाई किए थे वो आज भी रेलेवेंट है। आप कोविड की बात कर लीजिएगा, पहले भी हम बोलते थे कि नमस्ते कीजिएगा, हाथ मत मिलाइएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि जब हम पहले जो है पुराने टाइम में जब घर आते थे तो पहले हैंड वॉश करते थे, शूज बाहर रखते थे, ये सारी बातें जो है,
ये मतलब मॉडल्स डेवलप थे लेकिन हमने उनको मॉडल को फॉलो नहीं किया। लेकिन अब जब हमारे पास ये COVID-19 जो है वो पेंडेमिक आ गया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो थ्योरीज उस टाइम, ये मॉडल जो दिए गए थे वो आज भी रेलेवेंट है और उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं, वही SOPs बन के सामने उभर रही है आपके पास। तो उसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइंग थ्योरी। सबसे पहले अंडरलाइंग थ्योरी का मतलब प्रीवियस स्टडीज के बेस के ऊपर हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एस्टिमेबल थ्योरेटिकल मॉडल, अब उसी के ऊपर हमें जिसको बोलते हैं ना हाइपोथेसिस, हम एक एस्टिमेटेड थ्योरेटिकल मॉडल क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं और फिर डाटा कलेक्ट करने के बाद हम मॉडल की एस्टिमेशन करते हैं स्टेटिस्टिकल टूल लगा करके, फिर हम देखते हैं इज द मॉडल ओके, अगर नो तो हम क्या करेंगे, रीफॉर्मुलेट करेंगे मॉडल, नया मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे और फिर दोबारा से ये देखिए यहीं से इस प्रोसेस की तरफ को मूव कर जाएंगे। और अगर इफ द मॉडल इज एडिक्वेट, इफ इट इज यस देन इंटरप्रेट द मॉडल एंड यूज फॉर एनालिसिस, फिर तो सारे लोग जो है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और स्टडीज में उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से वो क्या बन जाती है, फिर नेक्स्ट जब आप कोई रिसर्च करेगा तो उसके लिए वो क्या बन जाएगी, अंडरलाइन थ्योरी बनेगी, प्रीवियस स्टडी बनेगी, ठीक है जी। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, हम भी एक मॉडल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे हम जो टूल लगाएंगे वो हम एक रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से अब हमारे पास क्या है कि ये जो हम मॉडल बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रिग्रेशन मॉडल की, क्योंकि मैंने मॉडल की बात करी तो रिग्रेशन मॉडल की बात कर रहा हूं। ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, दिस इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल। तो मैं तो सिंपल बोला, सिंपल में दो ही वेरिएबल होंगे, द एक्सप्लेनेटरीज वेरिएबल विद ए व्यू टू एस्टिमेट और प्रेडिक्ट द मीन और एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के लिए हम इस रिग्रेशन एनालिसिस को करते हैं और उसके लिए हम एक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल समझ आएंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं जस्ट आपको एक तरह से क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूं। जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करके, जैसे मैंने बताया ना कि अगर स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी होगी तभी वो लर्न कर पाएगा, अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो लर्निंग नहीं होती और उसका इंटरेस्ट बनता है। इसलिए मैंने रिग्रेशन मॉडल वैसे ही बता दिया, ये मैंने आपको थोड़ा सा एडिशनल बता दिया, एडवांस बता दिया, वो थोड़ा सा हेल्प करे क्योंकि आपके माइंड में रहे कि जब मैं कहीं पे टॉपिक को डिस्कस करूं तो वहां पे मैं कहां जैसे डिस्कस कर रहा हूं, कौन सा बात है जो यहां पे रेलेवेंट है। अच्छा, अगर ये बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब भी हमें कोई टॉपिक पढ़ना होता है तो हमें उसकी थ्योरी जरूर पढ़नी होती है, क्योंकि आप देखिए मैं इसके रेलेवेंस इसलिए बता रहा हूं कि जब भी मुझे एक नया मॉडल क्रिएट करना है तो मैं पहले प्रीवियस स्टडीज की तरफ को गया, मैं अंडरलाइन थ्योरी को गया, मैं हिस्ट्री की तरफ को गया कि नहीं गया। तो वैसे भी हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, अब जैसे कोविड से भी हमने बोलना था तो हम सबसे पहले कहां गए, प्रीवियस उसमें गए कि जब महामारी आई थी, जब ये पेंडेमिक पहले आया था 1920 में, तो उस टाइम क्या क्या किया था हमने, बस वही SOPs, वही हमने जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वही फॉलो करके हम कहां आ गए, आज हम उसके साथ फाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी बात ओके। तो चलिए जी, लेट अस मूव एंड दैट वी हैव टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। अब अगर मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बात करूं तो यहां फिर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बताऊंगा, रिग्रेशन वर्ड किससे बना है, रिग्रेस से बना है, और रिग्रेस का मतलब क्या होता है, टू गो बैक और रिवर्ट टू एन अर्लियर और मोर प्रिमिटिव स्टेज। जब हम बोलते हैं कि पाषाण काल में ऐसा था, प्रिमिटिव स्टेज जब स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं, कहता उसकी तरफ को मूव करना। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास ये कोई चीज है, अब अगर आप इसको हिलाएंगे तो क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए ये लटक रही है, अगर थोड़ा सा इधर क्या करेगी, इधर जाएगी फिर दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाएगी, फिर इधर जाएगी फिर उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं टू गो बैक, टू रिवर्ट टू एन अर्लियर सिचुएशन। मंदिर में घंटी है, अगर आप इसको हिलाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इसी पोजीशन पे आ जाएगी, उसी को बोलते हैं रिग्रेस। का मतलब है टू गो बैक, प्रोग्रेस, रिग्रेस, क्लियर होगी जी, रिग्रेस मीन्स टू गो बैक,
रिवर्ट टू एन अर्लियर पोजिशन, मोर प्रिमिटिव स्टेट। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक लिटरेरी मीनिंग बताया, मैं कोई स्टेटिस्टिक्स का वर्ड की तरफ को नहीं गया मैं। अब मैं अगर मैं स्टेटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो रिग्रेशन वर्ड है ये सबसे पहले किसने यूज किया था और किसने इंट्रोड्यूस किया था उसकी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाऊंगा और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उससे जो है आपको जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो रिग्रेशन एनालिसिस समझने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। क्लियर है जी बात? ओके, तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो जो टर्म रिग्रेशन है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर फ्रांसिस गिल्टन। जरा ध्यान रखना इसका, सर फ्रांसिस गिल्टन के द्वारा जो है वो इसका यूज हुआ था। ठीक है जी, इन्होंने किसके लिए यूज किया और इन्होंने लेट 19th सेंचुरी में किया था। हु फाउंड द टेंडेंसी ऑफ चाइल्ड हाइट टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट ऑफ द पॉपुलेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये, अभी मैंने आपको सिर्फ मैंने बताया, दोबारा क्यूरियोसिटी पैदा कर दी कि अब देखिए आप सर फ्रांसिस गिल्टन कौन था ये आप ढूंढेंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कौन किसने जो है सबसे पहले ये वर्ड यूज किया था। लेकिन इसने भी जो ये वर्ड यूज किया था ये रिग्रेशन की जगह कुछ और वर्ड यूज किया था, लेकिन आगे मैं इसकी बात करूंगा। उसने ये चीज कहां फाउंड की, उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये जो बच्चों की हाइट है ना ये पॉपुलेशन की एवरेज हाइट की तरफ को रिग्रेस करती है। रिग्रेस मतलब टू गो बैक, रिवर्ट करती है उस स्टेज को। नहीं बात, कोई बात नहीं, आपको दिक्कत नहीं है, आपको परेशानी नहीं है, ये बातें सारे मैं आपको डिस्कस करके क्लियर करके बताऊंगा। गिल्टन ने ऑब्जर्व क्या किया, उसने बोला जो एक्सट्रीम करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होती है ना जो पेरेंट्स से बच्चों को जाती हैं, उसमें जो एक्सट्रीम करेक्टरिस्टिक्स है वो हाइट है। कहता हाइट इन पेरेंट्स आर नॉट पास्ड ऑन कंप्लीटली टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होता है डिसेंडेंट्स, यानी कि बच्चे जो हैं आगे उनको बोलते हैं। वो कहता है कि जो हाइट वाली जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कहता कि कंप्लीट नहीं चली जाती बच्चों में, आगे कंप्लीट नहीं चली जाती। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि अगर जो कि आगे मैं बात करूंगा आपसे कि अगर आप जनरली हम बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ये इसके फादर लंबे हैं इसका मतलब बच्चा भी लंबा ही होगा, और फिर आप कई बार बोलते हैं अच्छा इसकी फादर की हाइट कम है इसका मतलब बच्चे की हाइट भी कम ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भी ये सोचा है कि जब भी कोई भी किसी भी पेरेंट्स की सारी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें मेन करेक्टरिस्टिक हाइट की है वो भी कंप्लीटली उनके बच्चों में चली जाती है, लेकिन गिल्टन ने ये ऑब्जर्व किया कि ऐसा नहीं होता। रादर द करेक्टरिस्टिक्स इन द ऑफस्प्रिंग रिग्रेस टूवर्ड्स ए मीडियोकर पॉइंट। मीडियोकर पॉइंट का मतलब है पॉइंट बीन आइडेंटिफाइड एज द मीन। वो कहता वो तो रिवर्ट हो जाती है, वो तो कहता वापिस आ जाती है। इसलिए कहता है ये सारी करेक्ट आपको ये समझ आ जाएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है। सो एक्सट्रीम करेक्टरिस्टिक्स इन पेरेंट्स आर नॉट पास्ट। क्लियर है जी यहां तक बात जो है कि व्हाट आई वांट टू से कि और इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या था। ओके, तो अब हम एक्चुअली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसने जो है ना जो वर्ड यूज किया था वो किया था रिग्रेशन टू मीन। अब ये रिग्रेशन टू मीन का मतलब क्या है उस कंटेक्स्ट में, मैं देखिए वो वाला उसका जो मॉडल है वो नहीं, मैं उसका जो रिग्रेशन से जो कंटेक्स्ट है, रिग्रेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिग्रेशन, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये मैंने कहा कि गिल्टन के द्वारा जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया, लेकिन उसने भी ये रिग्रेशन टू मीन और ये जो एक्सपेरिमेंट था वो उसने किसके ऊपर किया, पॉपुलेशन के ऊपर किया, बच्चों के ऊपर किया, पेरेंट्स के ऊपर किया। वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो अब मैं आपसे शेयर करता हूं। तो ये मैंने कहा रिग्रेशन टू मीन। गिल्टन ने क्या किया, उसने इन्वेस्टिगेट किया क्या चीज, द रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट्स ऑफ द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। और नियरली उसने जो ये स्टडी की है वो 930 बच्चों के ऊपर की, पेरेंट्स और बच्चों की बात कर रहा हूं। उसने ये क्या किया, उसने क्या किया कि 930 पेरेंट्स लिए, पेरेंट्स लिख रहा हूं लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा ना यहां पे बात करूंगा तो मैं फादर और सन की बात करूंगा। ठीक है जी, लेकिन मैं आपको एक्चुअल में बताऊं
तो जो स्टडी की गई थी, ये जो पेरेंट्स थे ना, पेरेंट्स के फादर और मदर की हाइट की एवरेज ली गई थी, ठीक है, जो एक्चुअल है। लेकिन फिर आपको दिक्कत हो जाएगी समझने में, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो आपके माइंड में बात है मैं फिर वो आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैंने कहा। अदरवाइज ये पेरेंट्स की एवरेज है, मदर और फादर की दोनों की हाइट लेकर के उसकी एवरेज कैलकुलेट करी, एवरेज कैलकुलेट करके उसके चिल्ड्रन की है। तो यहां पे मैं सिर्फ फादर को ले रहा हूं और सन को ले रहा हूं, ये समझ लेना बस, तब आपको जल्दी समझ आएगा, नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे आप। उन्होंने क्या किया, जनरली आपके दिमाग में भी ये जो मैंने अभी आपसे बात करी, क्या आपके दिमाग में भी ये प्रिसेप्शन है कि टॉल फादर्स वर लाइकली टू हैव टॉल सन्स। जिसका फादर लंबा हो उसका मतलब है उसके बच्चे भी आगे जो है वो लंबे होते हैं, ये है आम धारणा है। शॉर्ट फादर्स वर लाइकली टू हैव शॉर्ट सन्स, कहते जो शॉर्ट स्टैचर लोग होते हैं जिसके फादर की हाइट कम है, इसका मतलब उसके बच्चे की हाइट भी क्या होगी, कम होगी। ये भी अपने गेल्टन ने भी यही सोच करके स्टडी शुरू कर दी और की, और उन्होंने दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन 930 चिल्ड्रन। अच्छा, अब हुआ क्या, वो अब मैं आपके बात को बता रहा हूं, फिर मैं उसको डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा। उसने कहा क्या किया कि जो टॉल फादर्स लाइकली टू हैव टॉल सन्स, अब जैसे मान लीजिए कि फादर की हाइट 6 फीट, तो कहते सन की हाइट 6.2 फीट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद उसने कहा कि फादर की हाइट है 5 फीट, तो बेटे की हाइट क्योंकि 4.8 फीट, कि जिसकी जी छोटे जिसका फादर की हाइट छोटी होती है उस कम होती है, उसका मतलब उसके बच्चे की हाइट भी कम होगी। ये प्रसेप्शन हम लेकर के चले गेल्टन, और उन्होंने स्टडी करनी शुरू कर दी और डाटा कलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने कहा हाइट ये होगी फादर की, ये होगी, लेकिन क्या किया, जब उन्होंने 930 सन्स की हाइट मेजर करी और उसका मीन कैलकुलेट किया, तो मीन तो कुछ और ही आया। मीन क्या आया, मीन आया 5.9, यानी कि फादर की हाइट से भी कम। किसकी, ये देखिए 930 बच्चों की, पहले तो उन्होंने इंडिविजुअल हाइट मेजर करी और उसके बाद उसका जब मीन कैलकुलेट किया तो जो मीन आया वो 5.9, यानी कि फादर की हाइट से कम। अच्छा, जब उन्होंने यहां पे देखा तो उन्होंने कहा शॉर्ट फादर शॉर्ट सन, यहां जब इन इन इनकी 930 में ही जब शॉर्ट सन्स की मीन कैलकुलेट किया तो मीन आया 5.1, यानी कि फादर की हाइट से भी ज्यादा। ये तो स्ट्रेंज हो गया, ये तो हैरान हो गया, कहते ये तो रिजल्ट कुछ अलग है, ये कैसे हो गया, जबकि हम बोलते हैं कि टॉल फादर्स इज लाइकली टू हैव टॉल सन्स। अब देखो अगर ऐसा हो जाए, इस फादर की हाइट कितनी 6, बच्चे की हाइट 6.2, अब जब उसके बच्चे आगे होंगे तो 6.5 यहां जाएगा, ये देखो एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर को चला जाएगा, और एक दिन आएगा कि अब आप जो आदमी की हाइट हो जाएगी वो तो 9 फीट, जरा इधर आना, 5 फुट का बच्चा, उसके बच्चे की हाइट 5.8, कल को क्या होगा 4.7, फिर उसके बाद 4.6, ये देखिए ये इधर को जाएगा। अगर ये सिचुएशन हो जाएगी तो संसार में क्या होगा बताना जी मुझे, क्या होगा, या तो आपके पास 3 फुट के होंगे या फिर आपके पास 9 या 10 फुट के होंगे, नहीं आज क्लियर दिख रहा जी, या तो पूरे संसार में कैसी दुनिया हो जाएगी थी, या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे। लेकिन आप मुझे बताना ऐसे हैं सर, ये तो एक्सेप्शन है, बहुत कम नजर आते हैं ऐसे, सर ऐसे हैं सर, ये भी बहुत कम नजर आते हैं, तो ये कैसे हुआ, ये अचंभा कैसे हुआ। तभी तो मैंने क्या लिखा 1877 में जो सर फ्रांसिस गिल्टन ने इसी के ऊपर जो स्टडी करी थी, तो उसमें उसने पाया कि ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो रहा है। देखिए अगर मैं इस एरो को ले जाऊं तो कहां जा चला जाएगा, पिगमी होंगे छोटी हाइट के, और इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएंगे, खली हो जाएंगे, समझ रहे हो ना, खली सिंबल है, ठीक है, और तब तो दोनों के बीच में बहुत सारा गैप हो जाएगा। लेकिन आप बताना जी मुझे ऐसा है, नहीं है सर, अगर नहीं है तो हमारी जो ह्यूमन रेस है ना, तो वो कहता है कि कुछ टाइम के बाद जो है ना वो नॉर्मल हाइट की तरफ को मूव कर जाती है,
तभी तो क्या हुआ, 5 फुट 4.8 है, लेकिन जब एवरेज हाइट कैलकुलेटी तो 5.1। अब बताओ जरा, ये जब मैं एरो ले जाऊंगा तो ये कहां चला जाएगा, ये इधर की तरफ कहीं मिल जाएगा। अब इधर आओ जाओ, 6 पॉइंट से 6.2, लेकिन इसकी हाइट कितनी आ गई, 5.9। तो बताओ जी जरा, ऐसे ऐसे करके वो इधर को आना शुरू हो जाएगा। जब इधर को आना शुरू हो जाएगा तो दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो ये कौन सा पॉइंट होगा, मीन पॉइंट होगा, एवरेज पॉइंट होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो हम जो हमारी अर्लीस्ट पोजीशन थी उसी के ऊपर आ जाएंगे हम, मूव कर जाएंगे, नहीं है। तो बस यहीं से उसने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो दिस इज देर इज ए टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन रेस टू रिटर्न टू अ नॉर्मल हाइट। हमारी टेंडेंसी है कि नॉर्मल हाइट, और इसीलिए रिवर्ट टू एन अर्लियर। और रिवर्ट टू अर्लियर को क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब आपने भी देख लेना कि आपने देखना कि अपनी पापा अपनी फैमिली में देख लीजिएगा, अगर आपके फादर कैसे हैं तो हो सकता है कि एक बेटा लंबा एक छोटा हो जाए। अब जब दोनों की एवरेज कैलकुलेट करें तो हम दोबारा से उसमें नॉर्मल की तरफ को पहुंच जाए, नहीं तो सारे लोग क्या बन जाते, खली बन जाते या पिग्मी बन जाते। ऐसा तो नहीं हुआ। बस यहीं से तो जो है वो सर फ्रांसिस गैलटन के द्वारा जो है वो रिग्रेशन, जो मैंने आपको क्या बताया था जी, रिग्रेशन टू मीन आए जी, कैसे आए हम मीन की तरफ को। तो क्या हुआ था, द टर्म रिग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर फ्रांसिस गैलटन लेट 19th सेंचुरी, हु फाउंड द टेंडेंसी ऑफ चाइल्ड हाइट टू रिग्रेस टूवर्ड्स द एवरेज हाइट इन द पॉपुलेशन। अब समझ आई जी बात आपको, अब आएगी। So extreme characteristic height in parents are not passed on completely to their offspring. अगर ये height इसको transfer जाती as it is तो ये तो इससे आगे की generation और लंबी और लंबी और लंबी और खाली बन जाता है एक time में, और इसकी छोटी 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 और ये pig भी बन जाता, ठीक है जी। तो इसलिए ये कहां पे चली जाती है, तो ये क्या लिखा था जी मैंने point, rather the characteristics in the offspring regress towards a mediocre point. पॉइंट बीन आइडेंटिफाइड एज द मीन, इसलिए उसने रिग्रेशन वर्ड नहीं यूज किया, रिग्रेशन टू मीन वर्ड यूज किया। हाँ जी, अब आपको बात क्लियर होगी। अगर ये बात आपको क्लियर होगी, तभी तो मैंने पेरेंट्स की जगह फादर यूज किया, क्योंकि आप बोलते अच्छा फादर लंबा है तो बेटा भी लंबा होगा, बेटी भी लंबी होगी, मदर छोटी है तो इसका मतलब बेटी या बेटा छोटा होगा। लेकिन अगर आप ये देखें तो आप अपनी फैमिली में ही अगर ये स्टडी करें तो स्टडी करके आपको पता चल जाएगा कि नहीं, अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें फैमिली की तो हम वी रिवर्ट टू एन अर्लियर, वी रिग्रेस टूवर्ड्स द मीन। और रिग्रेस का वर्ड का मतलब होता है टू गो बैक, रिवर्ट टू एन अर्लियर, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड हियर एज ए मोर प्रिमिटिव स्टेट। क्लियर है जी? ओके। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मैं आपको फैक्चुअल स्टडी बता रहा हूं। हुआ क्या, जब गैलटन ने स्टडी की तो उन्होंने एक टेबल बनाया, और टेबल बना करके ये मिड पेरेंट हाइट ली। मैं मिड पेरेंट्स की जगह मैं अब यहां पे फादर लिख सकता हूं, क्योंकि मिड पेरेंट हाइट का मतलब क्या हुआ, फादर और मदर का मीन लेकर के जो पॉइंट आया हाइट का वो लिया। क्योंकि अब अगर मैं आपको एक्चुअल बनाना है तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा ना, जिसको मैंने आपको समझाने के लिए मॉडिफाई किया है। ये चिल्ड्रन हाइट है। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों को जो है वो स्कैटर डायग्राम में प्लॉट कर दिया, प्लॉट करके कर दिया 64 इंचेस। ये देखिए, ये 64 इधर से, ये एक तरह से पेयर आना शुरू हो गया बच्चों और चिल्ड्रन का, और कई जगह पे क्या हुआ है, ओवरलैप हो गए, ओवरलैप हो गए, जहां दोनों की हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, दोनों का हाइट क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि हम मीन की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि आपकी आपकी जो प्रिसेप्शन थी वो क्या थी जी, प्रिसेप्शन बताना जी मुझे। प्रिसेप्शन थी Tall fathers are likely to have tall son. Short fathers are likely to short son. ठीक है जी, आपने हमने डायग्राम एक पढ़ी थी, ये देखो मैं बता देता हूं, ये आपका लाइन आती है, ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन में क्या होता है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, यानी कि अगर ये इधर को बढ़ा तो ये इधर को बढ़ता है, इसको और बढ़ाओ तो ये और बढ़ेगा, और इक्वल बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, इसको कम करो तो कम हो रहा है, लेकिन इक्वल कम हो रहा है, ठीक है जी। अगर ऐसी चीज है तो ये जो लाइन आती है ना आपकी, ये 45 डिग्री की लाइन आपको क्या बताती है, इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज। कहां पढ़ा था जी, हम कोरिलेशन में पढ़ा था, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बताया था मैंने +1 का,
ठीक है जी, समझ आ गई ना बात? ओके अच्छा, गेल्टन ने भी क्या किया था, यही कहा था ना कि जो लंबे फादर है उसका बेटा लंबा होगा। फिर उन्होंने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ करी, ये जो ब्लैक वाली लाइन है, उन्होंने कहा कि भाई ब्लैक लाइन आएगी, ये जो पॉइंट्स अभी आपको ये बात नहीं आएगी, जब मॉडल आएगा ना तो समझ आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली क्या होनी चाहिए थी। ये जो लाइन बताई मैंने 45 डिग्री होनी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया कि भाई मेरा तो जो स्टडी है वो ये है, मेरी लाइन ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होती है, ये तो ये लाइन होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने प्लॉट करके लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी, जिसको बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी, वो रेड आई, दैट वॉज रेड। तब उनको हैरानी हुई कि अरे ये ब्लैक क्यों नहीं आ रही है, ये रेड क्यों आ रही है, इसका रेड आ रही है तो कोई गड़बड़ है, इसका मतलब है कि जो टॉल फादर है उसके टॉल सन है ही नहीं, जो शॉर्ट फादर है उसके शॉर्ट सन है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो वो सारे पॉइंट्स किस लाइन के ऊपर आते, ये बेस्ट फिट लाइन होती। ठीक है जी बात, ओके। तो यहां से उसका माथा जो है वो ठनक गया कि अच्छा कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ थी तो इसीलिए। तो अब मैंने कहा, लिखा आपके लिए, जो ब्लू सर्कल्स हैं दैट इज द हाइट ऑफ द सन्स, यानी कि चाइल्ड, अगेंस्ट द मीन हाइट ऑफ द पेरेंट्स। मीन हाइट ऑफ मीन्स फादर की हाइट के अगेंस्ट, ठीक है जी। ओवरलैपिंग पॉइंट्स जहां सेम है, फादर और सन की हाइट सेम है। साथ में मैंने आपको क्या बताया, सरप्राइजिंग रिजल्ट। क्यों आए सरप्राइजिंग रिजल्ट, क्योंकि वो क्या चाह रहे थे, ब्लैक लाइन, और जो डाटा था वो ब्लैक लाइन को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसको बेस्ट फिट लाइन। लेकिन जो बेस्ट फिट लाइन आ रही थी वो कौन सी थी, रेड लाइन थी। अब मैं आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा हूं बेस्ट फिट लाइन की क्या चीज है, बस यही तो जाना है हमने। तो क्योंकि इसका जो स्लोप है वो यहां नहीं, वो स्लोप जो है लीस्ट स्क्वायर लेस स्टीप था, ये बिल्कुल स्टीप है लेकिन ये कम स्टीप था, इसलिए उन्होंने कहा कि अरे कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या निकली उनको, तो ये था रिजल्ट कि ऑफ स्प्रिंग डिड नॉट टेंड टू रिजेंबल द पेरेंट्स इन साइज बट ऑलवेज टू बी मोर मीडियोकर देन दे। तो ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चे, इसका मतलब है कि जो बच्चों की हाइट है वो पेरेंट्स की हाइट के साथ मेल नहीं खाती, वो एक तरह से मीन की तरफ को, मीडियोकर यानी कि पेरेंट्स की जो मीन हाइट होती है वो उसकी तरफ को मूव कर जाती है। सो दिस स्टेटिस्टिकल फिनोमिनन इज नोन एज रिग्रेशन टू द मीन। इसलिए ये क्या हुआ, ये मीन की तरफ, अगर ऐसा होता तब तो ये सारे आपने क्या बना देते थे, खली और पिग भी बन जाते अगर इस ये लाइन आ जाती, लेकिन वो तो इसी परसेप्शन से चला था। ठीक है ओके, आप भी इस थ्योरी को चैलेंज कर सकते हैं, कर लीजिए स्टडी और उसके बाद देखिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता। सो दिस स्टेटिस्टिकल फिनोमिनन इज नोन एज रिग्रेशन टू द मीन, जो फ्रांसिस गिल्टन ने यूज किया था। रिग्रेशन अकेला नहीं किया था, उसने कहा था रिग्रेशन टू मीन, जो कि बाद में हम उसका यूज रिग्रेशन, एंड अकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स आर मेड। बिल्कुल ये नहीं है, अब मैंने 930 किया, आप 2000 करिए, 5000 करिए, एक के साथ नहीं करिए। अगर एक के साथ करोगे तो हो सकता है कि एक फादर का बेटा जो है वो उसका उससे लंबा हो, या एक पेरेंट्स का छोटा हो, लेकिन जब आप इस चीज को स्टडी करके रेपिटेशन करते हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं और फिर उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, तो जाकर के ये सामने पेश आए। अब मुझे लगता है कि अब ब्लैक लाइन ना होकर के रेड लाइन आई, और उसकी वजह से जो है वो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वो जो रिजल्ट थे वो सरप्राइजिंग थे, और वो जो सरप्राइजिंग रिजल्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। और अब हमने जो हमारी ह्यूमन रेस है उसको खली और पिग्मी होने से बचा लिया। ठीक है जी, हमने क्या बचाया, भगवान बचा रहा है, और वो एक तरह से रिग्रेस कर रहा है, और रिग्रेशन है। तो रिग्रेशन टेक्निक इज एप्लीकेबल इन ऑल दीज फील्ड्स वेयर टू और मोर रिलेटिव वेरिएबल्स हैव द टेंडेंसी टू गो बैक टू द मीन। सो दिस इज अ रेग्रेशन टेक्निक विच इज एप्लीकेबल टू ऑल दीज फील्ड वेयर टू और मोर रिलेटिव वेरिएबल्स, मैंने बताया, हैव द टेंडेंसी टू गो बैक टू द मीन। वहां पे हम कौन सा लगाते हैं जी, रिग्रेशन का मॉडल जो है, एक तरह से हम रिग्रेशन का मॉडल यूज करते हैं। ठीक है जी बात, ओके। तो मुझे लगता है कि आज हम रिग्रेशन की जो हिस्ट्री है यहीं तक रुकते हैं, लेकिन उससे पहले कि हम रिग्रेशन से को वाइंड अप करें, मैं आज आपसे सिर्फ इतना सा डिस्कस करूंगा कि जो हमने कोरिलेशन और रिग्रेशन जो पढ़े थे
उनके बीच में क्या रिलेशनशिप था जिसकी वजह से आप भी अगर आपका वक्त लगे तो आप कोरिलेशन को दोबारा से पढ़ लें और फिर हम रिग्रेशन की तरफ को मूव कर जाएं। ठीक है, ओके। तो ये कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन, थोड़ा सा रिग्रेशन पढ़ा है, कोरिलेशन हमने डिटेल में पढ़ा है। तो कोरिलेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ, बिल्कुल जी, डिग्री, डायरेक्शन एंड द नेचर ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल जी, हमने स्ट्रेंथ भी देखी है, वन भी देखा, तो प्लस वन भी देखा, माइनस वन भी देखा, ठीक है, और नेचर भी देखा, चाहे लीनियर है चाहे नॉन लीनियर है, उसमें दो सेट जो थे आपके पास। व्हाइल द रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड्स डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अदर वेरिएबल। थोड़ा सा आप अब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने पहले डिस्कस किए थे, अगर नहीं है क्लियर तो आप उनको दोबारा से पढ़ सकते हैं, आगे तो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी की बात है, अगर आप पहले ही इन बातों को क्लियर कर ले जो हमने कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन का वीडियो आप दोबारा से देख सकते हैं और वहां उसको देख करके फिर आप इस वीडियो पे दोबारा से आ सकते हैं। उसके बाद कोरिलेशन एनालिसिस इज सिमेट्रिकल, बिल्कुल, व्हाइल रिग्रेशन एनालिसिस इज नॉट सिमेट्रिकल। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बातें करी थी। ओके, कोरिलेशन एनालिसिस अज्यूम दैट बोथ द वेरिएबल्स आर रेंडम कोरिलेशन में, व्हाइल एनालिसिस वहां तो रेंडम है, इधर एक आएगा पता नहीं आएगा नहीं होगा, रिग्रेशन एनालिसिस अज्यूम्स दैट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज स्टोकेस्टिक बट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मे बी फिक्स्ड और नॉन स्टोकेस्टिक। ये क्या चीज है, मैं इसीलिए आपको थोड़ा सा देखिए, स्टोकेस्टिक का मतलब होता है रेंडम, जो किसी रेंडमनेस का मतलब वो आता है कि जो किसी के अकरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। स्टोकेस्टिक नॉन स्टोकेस्टिक का मतलब होता है फिक्स्ड, दिस इज द नोन एज फिक्स्ड। अब जैसे देखिए गूगल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गूगल का रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आप इनपुट डालोगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ डाला और निकला कुछ और, अगर ऐसा हो जाए तो वो तो रेंडम हो जाएगा, तो उसको हम स्टोकेस्टिक बोलते हैं। इसलिए मैंने आपको गूगल का एग्जांपल जो आपको बताया, क्योंकि गूगल में अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी तो कुछ और ही निकल के आएगा, इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट, जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट होगा, उसको नॉन स्टोकेस्टिक बोलते हैं। इसलिए जो रिग्रेशन एनालिसिस अज्यूम क्या करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्टोकेस्टिक है, ठीक है, वो आपका रेंडम है, लेकिन क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा वो तो रेंडम, उसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई इट इज टू बी नोन एज ए फिक्स्ड। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया कि रिग्रेशन में हम क्या करने जा रहे हैं, रिग्रेशन कितनी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, कितनी यूजफुल टर्म है, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से है, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिएगा, दिस टर्म इज मोर इम्पॉर्टेंट। और कोरिलेशन और रिग्रेशन का क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि कोरिलेशन के बिना रिग्रेशन नहीं हम पढ़ सकते, इसलिए मैंने आपसे ये बात करी है। और अगर आपको ये कोरिलेशन और रिग्रेशन की जो बातें हैं वो डिस्कस अगर क्लियर हो गई हैं, तो अब हम कल क्या करेंगे, या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसमें रिग्रेशन एनालिसिस की तरफ को मूव करेंगे, और रिग्रेशन एनालिसिस भी हम सीधे नहीं चले जाएंगे, हम इसको हम आपका जो पुराना टॉपिक है वहां से ले जा करके, चाहे हम स्कैटर डायग्राम से चलेंगे, और फिर आपको इजी वे में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पहले इसको समझा करके, तब जाकर के हम मॉडल की तरफ को मूव करेंगे।